एटॉर्च डी एल ट्वेंटी फोर पी के पार्ट टू के अंदर अभी हम लोग देखेंगे कि मेरे पास में यहाँ पे डिकॉ चीप है तो ये इसको बोला जाता है डिकॉय यू एस बी सी पी सी बी तो ये कैसे काम करेगा और मेरे पास में एक दूसरा भी मॉडल है ऐसे ही अलग अलग डिकॉय चीप आती है इसका बेसिकली वर्क क्या होता है कि ये आप यू से यानी कि यू एस सी से आप अलग अलग वोल्टेज इसके द्वारा आउट करवा सकते हो जैसे कि फाइव वोल्ट, नाइन वोल्ट, फिफ्टीन वोल्ट, ट्वेल्व वोल्ट, ट्वेंटी वोल्ट, तो ये सब इसमें से आउट हो सकता है और इसको हम लोग ट्रिगर बोर्ड भी बोल सकते हैं यूएसबी सी के लिए तो होता क्या है कि जब कभी भी आप यूएसबी कनेक्शन किसी भी डिवाइस को देते हो तो यूएसबी देने से वो सबसे पहले फाइव वोल्ट को आउट करेगा और इसके अंदर रही जो सर्किट है और जो हमारा सोर्स है जिसके अंदर हम लोग यू सी लगाते हैं इन दोनों के बीच में एक कॉरेस्पॉन्डेंस होगा और जिसके द्वारा एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करके जो डिवाइस को वोल्टेज की ज़रूरत है वो आउट करता है ये एक जनरल नियम है यू सी के लिए तो हमारे पास में ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो इसके साथ में कम्युनिकेट करे और इसको बोले कि मुझे फाइव वोल्ट की जगह पे नाइन वोल्ट दो या फिर ट्वेल्व वोल्ट या फिर ट्वेंटी वोल्ट जो भी इसकी कैपेसिटी है आउट करने की तो ऐसा कोई अगर आपके पास में सोर्स नहीं है तो उस समय में ये काम में लगेगा तो इसका जो लिंक जो है वो मैं लिंक आपको इसका दे दूंगा मेरे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर और आपको यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा उस आई बटन पे क्लिक करोगे तो भी इसका आपको परचेज करने का लिंक मिल जाएगा ये और ये इन दोनों का मैं लिंक आपको मैं दे दूंगा मेरे आई बटन के ऊपर और मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर तो इस तरह से अभी हम लोग देखेंगे कि हम जो ने पहले वीडियो के अंदर देखा था इसका किस तरह से सेटअप होता है अभी इस वीडियो के अंदर देखेंगे एडप्टर अगर हमें टेस्ट करने हैं अलग अलग तो हम इस एटोर्च के डी एल से किस तरह से चेक करेंगे तो हमें इसको ज़रूरत क्यों है चेक करने की तो इसके लिए मेरे पास में एक फोल्टी एडेप्टर है मेरे पास में एक डेल का अडेप्टर है और इसके अंदर जो आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से है ये फाइव वोल्ट और ट्वेंटी वोल्ट दोनों निकालने के लिए सक्षम है लेकिन मेरा ये अडेप्टर के अंदर प्रॉब्लम है वो क्या है वो हम लोग इसके द्वारा चेक करेंगे दूसरा मेरे पास में एक नॉर्मल अडेप्टर है जैसे कि हमारे राउटरों के अंदर लगता है राउटर है या फिर डी है या फिर जहाँ कहीं पे भी इस तरह की जो पींस आती है वहाँ पे हम लोग इसको लगाते हैं ये ट्वेल्व वर्ल्ड का एक एडप्टर है और इसके अंदर आपको एम्पेयर रेटिंग से लेके वो सब कुछ दिखाई दे रहा होगा तो क्या ये अडेप्टर सही में जो एम्पेयर लिखे हैं वही आउट कर सकता है इसको भी जानने का तरीका अभी हम लोग इससे देखेंगे यानी कि वोल्टेज तो आप चेक कर लोगे लेकिन एम्पियर क्या सही निकाल रहा है वो भी हमें चेक करना होता है तो उसके लिए हमारे पास में और कोई साधन नहीं होता है तो उस समय में ये हम यूज़ में लेंगे और उसके द्वारा हम लोग जानेंगे मेरे पास में एक मोबाइल का चार्जर है इसके अंदर मैं आपको सभी रेटिंग आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर भी आप रीड कर सकते हो अलग अलग वोल्टेज अलग अलग पॉट के द्वारा वो आउट करवाता है USB टाइप सी 1 USB ए और सी 2 इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि 5 वोल्ट निकल रहा है 9 वोल्ट निकल रहा है 12 वोल्ट 20 वोल्ट और कितने-कितने एंपियर निकल रहा है तो इसके हर एक पोर्ट के ऊपर अलग-अलग एंपियर अलग-अलग वोल्टेज एक साथ में आप आउट करवा सकते हो तो ऐसा एक मेरा एक मोबाइल का चार्जर है तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे कि इसके द्वारा हम लोग डिकोई चीप के द्वारा हम लोग इसके वोल्टेज को सिलेक्ट करेंगे और हमें जो वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज निकाल के इसका टेस्ट लेंगे तो आज का वीडियो रहेगा इसके टेस्टिंग के बारे में कि एडप्टर अगर आपको टेस्ट करना है तो किस तरह से करेंगे अगर आपके पास में पावर बैंक है तो मैं इसको भी इसके साथ में ले लेता हूँ तो पावर बैंक के अंदर भी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये अलग अलग एम्पियर और अलग अलग वोल्टेज आउट करवा रही है तो इसका भी हम लोग टेस्ट करेंगे इसके अंदर यू सी और नॉर्मल यू दो पॉट है तो ये कितना मैक्सिमम कैपेसिटी तक वो ले जा सकता है और एक बात अगर आपके पास में पावर बैंक है अगर आपका कोई कहीं पे राउटर है या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है और आपको 12 वोल्ट की जरूरत है लेकिन ये तो बाय डिफॉल्ट 5 वोल्ट ही निकालेगा तो ऐसे समय में हम लोग इस डिकोई चिप को यूज करके बारह वोल्ट निकाल सकते हैं और एक बैकअप बना सकते हैं पावर बैंक से वो चाहे बारह वोल्ट वाला हो चाहे आपका ट्वेंटी वोल्ट वाला हो लेकिन उसके लिए आपको पावर बैंक ट्वेंटी वोल्ट आउट करे ऐसी होनी चाहिए तो हम लोग एक बैकअप डिवाइस भी बना सकते हैं इसके द्वारा और सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ट्वेल्व वोल्ट के एडेप्टर को मैंने अभी इसको प्लग कर दिया और प्लग करने के बाद में मैं इसको इसके अंदर लगा देता हूँ तो आप यहाँ पे रेटिंग देख सकोगे कि इसके अंदर से कितने वोल्टेज अभी आउट हो रहे हैं ट्वेल्व वोल्ट का एडेप्टर है जैसे कि उसके ऊपर रेटिंग लिखा है हमारा सबसे पहली कंडीशन क्या थी हम लोगों ने इसका सेटअप ऑलरेडी देख लिया इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं सीधा ही रन करूंगा जो भी इस वीडियो के अंदर नए हैं वो मेरा पहला वीडियो जो है इसके रिगार्डिंग वो एक बार चेक कर लीजिए इसी प्ले के अंदर आपको मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग रन करते हैं रन करने पर हम लोगों को एम्पियर सेट करने पड़ेंगे आप देख सकते हो जो एस इज इक्वल टू है वो जीरो जीरो है तो मैं अभी इसका एमपियर सेट कर लेता हूं तो जैसे जैसे मैं यहां पे एम्पियर बढ़ाऊंगा तो यहां यह करने का प्रयास कर रहा है तो मैंने 1.10 लिखा है। अभी हम लोग इसको बढ़ाते हैं आगे 2.10। अभी और बढ़ाते हैं 2.80। जब हम एडाप्टर को चेक करते हैं तब हमें इसको जीरो रखना है उसका रीज़न मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि बैटरी के लिए आपको काम में लगेगा एडेप्टर के लिए आप इसको जीरो ही रखिए ताकि हम इसकी पूरी एफिशिएंसी चेक कर सके अभी आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि जैसे जैसे मैं एमपियर बढ़ा रहा हूँ वोल्टेज जो है वो मेरे ड्रॉप हो रहे हैं वो सीधा ही नियम है कि अगर समझो बारह वोल्ट का हमें आउटपुट चाहिए और अगर हम इस एडेप्टर को टू पॉइंट वाले डिवाइस के साथ में लगाते हैं तो इसके वोल्टेज रेटिंग जो है वो घट जाएंगे मैं इसको माइनस करके एक बार आपको बताता हूँ तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेंगे तो इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी ऐसा है बारह वोल्ट के लिए कि अगर आप 1.50 पॉइंट का डिवाइस कोई लगाते हो तो ये बारह वोल्ट स्टेडी रखता है और जैसे जैसे आप बढ़ाओगे यहाँ पे आप वोल्टेज के ऊपर ध्यान देना इस रेटिंग के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए एट देखो ये एडप्टर हमारा थ्री एम तक गया है लेकिन वोल्टेज ड्रॉप जो है टू फिफ्टी मिली वोल्ट इतना ही ड्रॉप हुआ है लेकिन हमारा एमपियर थ्री एम तक के डिवाइस तक ये काम कर रहा है अभी इसकी ऊपर की जो रेटिंग है टू पॉइंट फाइव की है लेकिन हम इसको थ्री एम वाले डिवाइस के अंदर लगा रहे हैं ये अडप्टर हीट होगा थोड़ा बहुत हीट होगा क्योंकि उसकी एफिसंसी से ज़्यादा आउटपुट हम लोग इसके द्वारा निकाल रहे हैं तो देखते हैं कितने तक वो जाता है कितने तक वो एम्पियर को आउट कर सकता है तो इस तरह से 2.7, 2.8, 2.9, 4 सिक्स देखो अभी वोल्टेज मेरे ड्रॉप हो गए तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो गए यानी कि ऐसी कंडीशन के अंदर ये अडेप्टर काम नहीं करेगा अगर आपने उसको फोर एम्पियर वाली किसी भी डिवाइस के अंदर उसको लगाया है क्योंकि हमें यहाँ पे बारह तक तो हमें वोल्टेज चाहिए ही होंगे तो हम लोग इसके एम्पियर को अभी घटा रहे हैं तो घटा घटा के अभी देख रहे हैं देखो ये थ्री एम्पियर तक ये काम करेगा इसके नीचे यानी कि इसके ऊपर हमें नहीं जाना है थ्री के के ऊपर वाले डिवाइस अंदर इसको हमें अटैच नहीं करना है तो इस तरह से आपको एक एफिशिएंसी पता चल जाएगी इस एडेप्टर की कि कितने एम्पियर तक के डिवाइस के लोड को उठा सकता है तो ये हुआ हमारे एक एडेप्टर का टेस्टिंग आगे देखते हैं दूसरा एक डिवाइस वही मेरे पास में है डेल का एक एडेप्टर इस एडेप्टर के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये लैपटॉप को ऑन तो करता है ये मोबाइल को भी ऑन करता है लेकिन इससे बैटरी चार्ज नहीं हो रही है और लैपटॉप मोबाइल की भी बैटरी बहुत ही स्लोली चार्ज हो रही है तो उसका रीजन क्या है हम लोग इसके द्वारा समझते हैं इसके रेटिंग वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दिया है तो हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास में डिकॉय चिप है अभी डिकॉय चिप के बारे में आपको बता देता हूँ मेरे पास में दो अलग अलग मॉडल है एक ये और एक ये हम दोनों में से कोई भी बारी बारी ऐसा होगा तो यूज करके देख लेंगे अलग अलग डिवाइस पे तो इन दोनों के अंदर किस तरह से होगा अगर आप यहाँ से यू इनपुट दोगे यूएसबी सी यानी कि मैं अडेप्टर यहाँ पे इनपुट करता हूँ और ये यह यहाँ पे आउट करेगा वोल्टेज तो आप यहाँ से दो केबल लेके आप यहाँ से दो केबल लेके आप किसी भी डिवाइस में जहाँ पे इस तरह की पिन लगी हो तो ऐसे कनेक्शन करके आप इसको एक इस सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो तो ये यूएसबी सी इसके लिए काम में लगेगा और एक बात कि यूएसबी सी जब आप इंसर्ट करोगे वो फाइव वोल्ट बाई डिफॉल्ट निकालेगा लेकिन इसके अंदर सेटिंग है अलग अलग स्विच का तो इस स्विच सेटिंग से आप कर सकोगे कि आपको कितने वोल्टेज का आउटपुट लेना है फाइव वोल्ट नाइन वोल्ट ट्वेल्व वोल्ट फिफ्टीन और ट्वेंटी वोल्ट तो ये S1, S2 और S3 थ्री यहाँ पे स्विचिस लगी हुई है तो इस स्विचिस को सेट करके हम लोग डिजायर वोल्टेज आउट कर सकते हैं और इसके अंदर कैसे होगा तो इसके अंदर हमें यहाँ पे दो स्विच दी है इन दोनों स्विचों को एक साथ प्रेस करके लगाने से ये फाइव वोल्ट के ऊपर बाय डिफॉल्ट आएगा और फिर जैसे ही एस प्लस स्विच करेंगे वैसे वैसे वो वोल्टेज को प्लस करता जाएगा और हमें जितने वोल्टेज आउट करवाने हैं वो करवा सकते हैं आपको यहाँ पे दो तरफ पे पॉट दिख रहे होंगे एक फीमेल और एक मेल तो यहाँ पे आप यहां पे इनपुट भी दे सकते हो आप यहां पे इनपुट भी दे सकते हो तो यहां पे इनपुट दोगे तो आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा इन दोनों पॉइंटों के ऊपर आपको प्लस और माइनस की साइन जो दिख रही है यहीं पे वो दिखेगा और अगर आपने इसको यहां से इंसर्ट किया है यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से आपने इसको लगाया है तो आप इसको यहां से आउट करवा सकते हो तो ये दोनों तरफ पे काम करता है तो आप कहीं पे भी लगाओ किसी भी तरह से लगाओ कोई दिक्कत नहीं है कौन सा इनपुट कौन सा आउटपुट वो हमें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है ये इनपुट है तो ये दोनों आउटपुट है और अगर ये इनपुट है चाहे यूएसबी ए हो चाहे सी हो तो इसका आउटपुट हमारा ये रहेगा और ये स्विच का सेटिंग आपको मैंने बता दिया तो हम इसी को यूज करते हैं सबसे पहले तो मैं इसको लगा देता हूं यहाँ पे और लगा देने के बाद में मैं सप्लाई देता हूं अपने डेल के एडेप्टर का जिसके अंदर प्रॉब्लम है ये एडाप्टर मेरे पास में इस ले इस प्रॉब्लम के तौर पे आया था कि कस्टमर का कंप्लेन था मेरी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है लेकिन इस बैटरी यहाँ पे यूएसबी सी के ऊपर तो एलईडी ई डी यहां पर बता रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ फाइव आउट कर रहा है और ट्वेंटी वोल्ट वो आउट नहीं कर रहा है जिसके कारण ये लैपटॉप को चार्ज नहीं कर रहा तो अभी देखिए इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बाय वोल्ट का आउटपुट आ गया और अगर मैं इसको प्लस करता हूं अभी हम लोग एम्पेयर वगैरह अभी नहीं बढ़ाएंगे अभी हम लोग यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोनों स्विचों को एक साथ में प्रेस करना है लेकिन ये कुछ ऑप्शन आ ही नहीं रहा है ना ही वोल्टेज वो बढ़ा रहा है मैं इसको प्लस करता हूं इसको माइनस करता हूं कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग रन करते हैं तो रन करने के बाद में इसको एम्पियर बढ़ाते हैं का फोर पॉइंट सेवन वन वन तो इतना नहीं होना चाहिए इस एडेप्टर के अंदर फॉल्ट है और एक बात कि मैं दोनों स्विचों को एक बार प्रेस करता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट फाइव वोल्ट पे आना चाहिए और उसके बाद में वो आ जाना चाहिए हम जो जैसे बढ़ाए और घटाए वैसे वोल्टेज के ऊपर लेकिन कुछ भी फंक्शन नहीं हो रहा है तो ये एडाप्टर ना तो ये ट्वेंटी वोल्ट पे जा रहा है और ना ही फाइव वोल्ट के ऊपर वो स्टेडी हो रहा है लेकिन एलईडी आपको यहाँ पे दिख रही है तो आप ऐसा सोचोगे कि एडाप्टर वर्किंग में है लेकिन ये अडेप्टर वर्किंग में नहीं है तो इस डिकोई चिप से अभी हम लोग इस मेरे पास में जो चार्जर है मेरे मोबाइल का उसको हम लोग टेस्ट करेंगे इसके अंदर आपको रेटिंग मैंने बता दिया है अलग अलग वोल्टेज निकालने के लिए सक्षम है एक लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है हमेशा कि अगर आपको इसका सही में कितने वोल्टेज एमपियर निकाल रहा है वो चेक करना है तो उसके लिए आपको रेगुलर यूएसबी केबल नहीं लगेगा आपको कंपलसरी हंड्रेड वॉट का केबल चाहिए तो आपको इस तरह से हंड्रेड वॉट के केबल मार्केट में मिल जाएंगे या फिर मेरे पास में एक केबल है इसका भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है इसके अंदर एक ई e मार्कर करके एक चिप आती है तो उस चिप वाला केबल आपको यूज करना है तो हम इसको लगाते हैं तो सबसे पहले मैं लगा देता हूं मेरा एडप्टर और एडेप्टर लगा देने के बाद में एक केबल यूज करता हूं तो केबल का यहाँ पे बहुत बड़ा पार्ट है केबल आपको 100 वॉट का ही यूज करना है तभी वो 20 वॉल्ट तक आउट कर पाएगा तो जैसे ही मैं इसको यहां पे इंसर्ट करता हूं तो सबसे पहले आपको इसको रिसेट करना है इन दोनों को एक साथ में प्रेस करके ये फाइव वर्ल्ड के लिए आ जाएगी अभी ये फाइव वर्ल्ड पे सेट है अभी मैं इसका प्लस यहां पे करता हूं जैसे मैं यहाँ पे प्लस करूंगा आप यहाँ पे देख सकोगे कि वोल्टेज जो है वो बढ़ रहे हैं तो ये प्लस साइन करने से वोल्टेज यहाँ पे ऐसे इस, इस तरह से बढ़ेंगे और अगर मैं इसको माइनस पे क्लिक करता हूँ स्विच को प्रेस करता रहता हूँ तो ये वोल्टेज को कम करेगा तो मिनिमम इसका वोल्टेज जो है फाइव वोल्ट है लेकिन हम और भी नीचे जा सकते हैं देखिए थ्री पॉइंट सेवन तक तो ये स्विच के द्वारा हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं तो ये अभी आउटपुट निकाल रहा है थ्री पॉइंट सेवन फाइव थ्री मैं इसको वन एम का लोड दे रहा हूं और इसको मैं रन कर रहा हूं तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ये मेंटेन करने का प्रयास करेगा देखो थ्री वोल्ट और वन एम का आउटपुट निकाल रहा है अभी इस एडेप्टर से यहां पे आपको वोटेज भी दिखाई दे रहा होगा यहां पे भी पावर के अंदर वोटेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये पुराना है मैं इसको भी रिसेट कर देता हूं अभी हम लोग इसका देख सकेंगे कि इसका रजिस्टेंस जो है ये इसका डमी लोड जो बन गया है वो थ्री पॉइंट फाइव ओम्स का बना है पावर जो है उसकी वॉटेज कैपेसिटी वो थ्री पॉइंट फाइव यहां पे भी आपको थ्री वॉट दिखाई दे रहा है और वन एमपेर का लोड है थ्री पॉइंट फाइव सेवन इसका आउटपुट है अभी इस एडॉप्टर का टेस्ट अभी हम लोग करते हैं कितने वोल्टेज तक वो आउटपुट निकाल सकता है तो इसको हम लोग प्लस करते जाएंगे 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, इलेवन 13, फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन 19, बस इससे ज्यादा नहीं हो रहा है यानी कि ये जो वोल्टेज है नाइनटीन पॉइंट फाइव वोल्ट का यहाँ पे आउटपुट रहेगा और इसके साथ में जो एम्पियर जो है वो हमारे बनते हैं वन एम्पियर का अभी मैंने सेट किया है हम लोग एम्पियर को बढ़ाते हैं कि एम्पियर कितने तक आउट कर सकता है ये एडप्ट वो टेस्ट हो जाएगा मैं अभी इसको यहाँ से बढ़ा रहा हूँ एक कब तक एम्पियर निकालता है वो आप एक बार ऑब्जर्व करिए एक कैपेसिटी के बाद में यहां पे आपको रिजल्ट दिखेगा रिजल्ट क्या दिखा तो यहां पे उसने वोल्टेज ड्रॉप कर दिए और इसके ऊपर अर्जेंट का एक मैसेज आ गया इसका कहने का मतलब ये है अर्जेंटली आप एम्पियर को कम करिए एम्पियर ज्यादा है तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है देख लेते हैं, थ्री एम्पियर तो ये एडेप्टर नाइनटीन वोल्ट और थ्री एम्पियर इतना ही निकाल सकता है इससे ज्यादा अगर हम लोग इसके ऊपर लोड देंगे तो ये अडेप्टर काम करना बंद हो जाएगा तो इसको आपने किसी भी डिवाइस में लगाया है जिसका एमपियर रेटिंग थ्री एमपियर से ज्यादा है वहां पर ये नीचे देगा लेकिन इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है ये चार्जिंग के लिए लैपटॉप रन करने के लिए मैकबुक रन करने के लिए मोबाइल चार्जिंग करने के लिए हंड्रेड परसेंट फिट है अभी हम लोग इसके द्वारा देखते हैं कि अगर हम इसको लगाते हैं तो इसके अंदर किस तरह से होगा इसके अंदर तो आपने देख लिया कि मैं प्लस माइनस करता हूँ वैसे वैसे वो वोल्टेज वा, जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करता है लेकिन इसके अंदर फिक्स है इसके अंदर आपको स्विच से करना है अभी हम लोग इसके इसके द्वारा देखते हैं तो इसका सेटअप किस तरह से लगेगा मैं पहले लगा देता हूँ हमें इस पीसीबी को निकालना पड़ेगा और उसकी जगह पे अभी हम लोग लगाएंगे हमारे ये दो केबल तो ये केबल के अंदर इस तरह से आपको सर्किट मैंने पीछे की इसके अंदर बताई है कि हमें इसको टेस्ट करते तो किस तरह से लगाते हैं तो इन दोनों के ऊपर हमें कनेक्शन करने पड़ेंगे पॉजिटिव के और यहाँ पे नेगेटिव के थ्री एम्पियर मैंने सेट करके रखा था लास्ट टाइम इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूं तो टू पॉइंट फाइव यहाँ पे एम्पियर सेट टू पॉइंट फाइव वो मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है और फोर पॉइंट सेवन वोल्ट इसका आउट आ रहा है अभी हम लोग इसको रनिंग में ही इसकी स्विच को अलग अलग कॉम्बिनेशन में प्रेस करेंगे आप यहाँ पे उस समय में आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितने वोल्टेज का वो आउट कर रहा है ये 19 वोल्ट का सेट हो गया नाइनटीन वोल्ट आउट कर रहा है यहाँ पे अलग अलग स्विच का कॉम्बिनेशन है ये एट वोल्ट का हुआ यानी कि ये नाइन वोल्ट कह कहा जाएगा और ये ट्वेल्व वोल्ट कहा जाएगा तो इस तरह से डी स्विच से हम इस एडेप्टर को चेक कर पाएंगे तो ये डिकोई चिप से हम लोगों ने उसके जो वोल्टेज और एम जो निकालने थे वो हम लोगों ने फिक्स करके उसको दिए तो ये स्विच से है डीआईपी स्विच से और इसके अंदर हम लोग पुश बटन से करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने इन एडेप्टर को टेस्ट किया अभी हम लोग टेस्ट करने जाएंगे इस पावर बैंक को तो अभी मैंने पावर बैंक लगा के रखा है और एक हंड्रेड वॉट का केबल भी लगा के रखा है और अभी हम लोग इसका आउटपुट निकालते हैं अभी मैं इसमें से 12 वोल्ट आउट निकालना चाहता हूं तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले ये तो लॉक होगा लेकिन इन दोनों स्विचों को एक बार प्रेस करना है और जैसे जैसे मैं यहाँ पे एस प्लस करता जाऊंगा वैसे वैसे ये वोल्टेज को यहाँ पे बढ़ाएगा तो ये नाइन वोल्ट यहाँ पे टेन वोल्ट इलेवन वोल्ट अभी मैं स्विच को प्रेस कर रहा हूं लेकिन वो आउटपुट इससे ज्यादा नहीं निकाल रहा है यानी कि इसकी एफिशिएंसी जो है इस पावर बैंक की वो उतने मैक्सिमम वोल्टेज यहां पे निकाल रहा है अभी देखते हैं इसके अंदर एम्पियर का हम लोग टेस्ट कर लेंगे कि एम्पियर कितने तक वो जाता है हमें वोल्टेज जो है उसके ऊपर ध्यान देना है ये ड्रॉप जो है मिली वर्ल्ड का जो ड्रॉप है वो ज़्यादा होना नहीं चाहिए कम रेटिंग के अंदर वो मिली वर्ल्ड के अंदर ड्रॉप हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं वो डिवाइस का लोड तब तक लेगा लेकिन देखिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गए पूरे और ये टू एम्पियर के ऊपर काम नहीं कर रहा है यानी कि ये पावर बैंक की एफिशिएंसी टू एमपियर के पावर बैंक के लिए काम नहीं लगेगी अगर बारह वोल्ट बारह वोल्ट का आउटपुट है तो अभी मैं इसको वापस घटा रहा हूँ तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 1.70 हालांकि मेरा ये फुल चार्ज है और फुल चार्ज कैपेसिटी भी इसकी अभी है 1.7 पॉइंट तक के आउटपुट को निकालने की और इसके वोटेज जो है वो 20 वोटेज ही वो आउट करवा रहा है यहाँ पे मुझे 20 ट्वेंटी वन ट्वेंटी यहाँ पे वोटेज बता रहा है इस डिवाइस के अंदर तो इस केबल का भी मैं आपको लिंक जो है आपको यहाँ पे आई बटन के ऊपर मिल जाएगा कि आपको ऐसा कोई केबल परचेज करना है तो आपको मैं अमेजोन की लिंक यहाँ पे दे दूंगा तो ये हुआ हमारा इन एडप्टरों का टेस्टिंग और पावर बैंक का टेस्टिंग